नमस्कार, मैं हूँ शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिलचिलाती धूप के बीच 31 नगर निकायों में वोटिंग जारी। बढ़ी इंटर एडमिशन के लिए आवेदन तिथि। बिना नोटिस अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक होंगे बर्खास्त। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें 3 दिनों तक रद्द। बिहार के इस जिले में बनेगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक। प्रसिद्ध कृष्णा ने गर्लफ्रेंड रचना संग रचाई शादी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चिलचिलाती धूप के बीच 31 नगर निकायों में वोटिंग जारी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार आज यानी कि 9 जून को बिहार में 31 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलने वाले हैं। मालूम हो कि यह चुनाव 805 पदों के लिए करवाया जा रहा है, जिसके लिए कुल 4443 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि इन नगर पालिकाओं में कुल 12,73,810 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आयोग के अनुसार आज जिन पदों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद हैं। मालूम हो कि न्यूज़ लिखे जाने तक मधुबनी नगर निगम में कुल 6.32% मतदान कर दिए गए थे, जिनमें महिलाओं का प्रतिशत 6.65 और पुरुषों का प्रतिशत 5.99 है। वहीं झंझारपुर नगर परिषद निर्वाचन में कुल 12.66% मतदान किया गया। बढ़ी इंटर एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि। वैसे बच्चे जिन्होंने अब तक बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन लेने के लिए आवेदन नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले यह तिथि 7 जून तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया गया है। यानी कि अब छात्र के पास 14 जून तक समिति के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के पोर्टल www.ofssbihar.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर इस दौरान कोई समस्या आती है तो स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर 0612-223-0009 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छात्र आवेदन करने के दौरान न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 संस्थानों का चयन कर सकते हैं। बिना नोटिस अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक होंगे बर्खास्त। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा निचले स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बीते दिन गुरुवार को के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिलों के DEO और DPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 3 महीने का टास्क दिया है। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय के वैसे शिक्षक जो लगातार 3 बार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। इसके साथ ही विद्यालय की रैंडम जांच भी की जाए। इसके अलावा उन्होंने एक उच्च क्षमता वाला सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी सुझाव दिया है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का इस दिन हो सकता है ट्रायल। बहुत जल्द ही बिहार वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि चेन्नई से 8 कोच वाली वंदे भारत का रैक पटना पहुंच चुका है और अब बहुत जल्द ही इसका ट्रायल किया जाएगा और ट्रेन के संचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। मालूम हो कि इसके लिए रूट का संरक्षा ऑडिट यानी कि सेफ्टी टेस्ट शुरू हो गया है। वहीं इस हफ्ते 2 रेल मंडलों के संरक्षा कोटि के शीर्ष अधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ट्रेन की सुरक्षा की जांच की जाएगी, ताकि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल के लिए हर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 11 जून को ट्रायल किया जा सकता है, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज्य में हर दिन लगेंगे DEO की हाजिरी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिले के DEO और DPO को निर्देश देते हुए कहा कि अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कार्य को सफल बनाया जा सके, इसके लिए विभाग में एक अलग से सेल बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इस निरीक्षण कार्य को करने के लिए अधिकारियों को वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि DEO कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 9:30 बजे और शाम 6 बजे बायोमेट्रिक मशीनों से ली जाएगी। इसके लिए जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं है वहां तत्काल लगाई जाए। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें 3 दिनों तक रद्द। अगर आप भी साहिबगंज, रामपुर, हॉल्ट, मालदा, दिल्ली, अजमेर जाने वाले यात्रियों में से हैं तो आपको बता दें कि मेंटेनेंस और निर्माण कार्य की वजह से 10, 11, 12 तारीख को बिहार से गुजरने वाली 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिन 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 1554 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस और 05406 साहिबगंज रामपुर हॉल्ट 10 जून को रद्द,
13419 और 13420 भागलपुर जमालपुर एक्सप्रेस 05407 या 08 जमालपुर रामपुर हॉल्ट एक्सप्रेस 03405 और 06 जमालपुर भागलपुर डेमो स्पेशल 05415 या 16 साहिबगंज जमालपुर एक्सप्रेस 05411 या 12 साहिबगंज बड़हड़वा एक्सप्रेस 03433 या 34 जमालपुर क्यूल मेमो स्पेशल 11 जून को 05404 या रामपुर हॉल्ट एक्सप्रेस और 05405 रामपुर हॉल्ट साहिबगंज एक्सप्रेस 12 जून को रद्द रहेंगे। मालूम हो कि ट्रेनों को रद्द करने के अलावा कई ट्रेनों के रूट को भी बदल दिया गया है। BCA डिग्री वालों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। बीते दिन गुरुवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा BCA डिग्री वालों के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत कक्षा 9वीं और 10वीं स्कूलों के विद्यालय अध्यापक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर साइंस में BCA को भी शामिल कर लिया गया है। मालूम हो कि बीते दिन जारी किए गए अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं में गणित शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए और इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी को गणित विषय की विशेषज्ञता होनी चाहिए। इसके साथ ही इस अधिसूचना में 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए बॉटनी और जूलॉजी को विषय के रूप में जोड़ा गया है। सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने से अगर गैंगेटिक डॉल्फिन की गई होगी जान तो होगा ये। बीते 4 जून की शाम बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी पुल के गिरने से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में कई जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचा होगा, जिसमें एक जीव गैंगेटिक डॉल्फिन भी हो सकती है। ऐसे में अगर यह आशंका सच होती है तो इसका एक्शन पुल निर्माण निगम और निर्माण करने वाली कंपनी पर लिया जाएगा। बता दें कि भागलपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर इस घटना में जलीय जीव की मौत होती है तो पुल निर्माण निगम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिना किसी प्राकृतिक छेड़छाड़ के गंगा से टूटे पुल के मलबे को हटाने का काम किया जाए ताकि जलीय जीव मूवमेंट फ्री हो सके। हालांकि फिलहाल पुल ध्वस्त होने के मामले की जांच जारी है। बिहार के 2 बड़े अस्पताल बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बहुत जल्दी बिहार राज्य के 2 अस्पताल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत राज्य के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 59 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के जिन 2 अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है वो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, जिसमें से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर 29.24 करोड़ और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मालूम हो कि इन पैसों से अस्पतालों में फेज 4 के तहत गंभीर किस्म की बीमारियों का इलाज की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही मशीनें और अन्य तरह के उपकरणों की स्थापना भी की जाएगी। बिहार के इस जिले में बनेगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनने वाला है, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ रुपए होगी। मालूम हो कि इस ब्लड बैंक में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, जिनमें ब्लड सेपरेशन की मशीन भी शामिल होगी। इसमें 24 घंटे मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि इस ब्लड बैंक के बारे में रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर इस ब्लड बैंक का निर्माण कर दिया जाता है तो सदर अस्पताल में चल रहे ब्लड बैंक को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मोतीपुर में भी गर्भवती महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने बिहार के मुख्य सचिव को दिया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मिड डे मील में हुई गड़बड़ियों से 150 बच्चे के बीमार होने के मामले को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में अधिकारियों के स्तर पर चूक हुई है, इसलिए सरकार आयोग के पत्र का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को लेकर 4 सप्ताह में जवाब दें। इसके साथ ही पत्र में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि प्रकाशित समाचार में यदि बात सही है तो यह मामला बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में सरकार रिपोर्ट में यह भी जवाब दे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल के नरवाल बरवल पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से करीब 150 बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लालू यादव के 76वें जन्मदिन को लेकर राजद ने पूरे बिहार
करने की खास तैयारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल प्रसाद यादव का 11 जून को 76वां जन्मदिन है। ऐसे में राजद की ओर से उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार में कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि जारी किए गए पत्र में उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया है कि वे लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर प्रखंड पंचायत एवं गांव स्तर पर गरीब मोहल्लों में जाकर या किसी सुनिश्चित स्थान पर या दल के कार्यालय में अनाथ कमजोर और गरीब बच्चों को भोजन कराएं। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा इसको लेकर कहा गया कि पार्टी की तरफ से राज्य के सभी जिलों, प्रखंड पंचायत और गाँव में सद्भावना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस अवसर पर लालू यादव के संदेश को घर घर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। बिहार शिक्षक नियुक्ति के आवेदन के समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप भी बिहार शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस दौरान आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। बता दें कि नए अध्यापक नियमावली के तहत अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें सोच समझकर आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आवेदन करने के पहले अभ्यर्थियों को यह ध्यान देना होगा कि वह राज्य के अस्थायी निवासी हों और आवेदन करने के दौरान उन्हें 3 जिले का चॉइस देना होगा। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी एक या उससे अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों तो उस स्थिति में उन्हें एक ही विषय का चयन करना होगा। बता दें कि प्राथमिक अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ही आयु में छूट दी गई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने गर्लफ्रेंड रचना संग रचाई शादी। इन दिनों शादी का सीजन है, ऐसे में कई लोग शादी के बंधन में बंधे नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय टीम और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा भी अपने गर्लफ्रेंड रचना संग साथ फेरे लेते हुए शादी रचा ली गई है। मंगलवार को दोनों ने एक दूसरे के संग सगाई की थी। अब वे शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं। अब दोनों की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा और रचना ने बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में फूलों के माला के साथ धोती और साड़ी पहनकर शादी की है। वहीं उनकी इस शादी में परिवार के सदस्य, दोस्त और कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल हुए थे, जिनमें मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर समेत कुछ खिलाड़ी शामिल थे। इन सब के बीच कृष्णा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के द्वारा हल्दी का फोटो पोस्ट कर बधाई भी दी गई और टीम ने ट्वीट कर कहा कि टीम में रचना का स्वागत है। इसके साथ ही टीम ने शादी की भी एक तस्वीर शेयर की है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। वहीं बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज़्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 96 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं कुमारी संजुना, नुन्नू गोलू कुमार, विजय कुमार, रवि कुमार राम, राजीव कुमार, के सिन्हा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, अमित कुशवाहा, मुटर रंगीला, राजकिशोर महतो, मिथिलेश कुमार, कुश कुमार यादव, सदुल्ला और पल्लवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में आज मौसम का मिजाज कैसा है। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।